वेलकम टू MKY टेक्निकल स्टडी मॉक सीरीज की 7वीं क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम 127 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके थे और 128 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है मैंने आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए बोला था। तो चलिए 128 नंबर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, 128 नंबर क्वेश्चन था, फाइलिंग की गई इस सतह में उतलता है, इसका कारण है। दोस्तों, यहाँ पर एक इमेज है और यहाँ पर आपके विकल्प हैं, ए, यह विकर्णीय फाइलिंग से होता है, बी, यह फाइल को की सोलन क्रिया से होता है, सी, यह आडी फाइलिंग से होता है, डी, यह फाइल की समान गति से होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी। दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, दोस्तों आरडी फाइलिंग से होता है। दोस्तों, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 129 नंबर, मुलायम पदार्थ को काटने के लिए हैक्सा ब्लेड की पिच होनी चाहिए। दोस्तों, मुलायम पदार्थ को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड की पिच होनी चाहिए। ऑप्शन है ए 1.8 मिलीमीटर, ऑप्शन बी 1.4 मिलीमीटर, ऑप्शन सी 1 मिलीमीटर, ऑप्शन डी 0.8 मिलीमीटर। तो दोस्तों, यहां पर जो है ऑप्शन आपका ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1.8 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 नंबर, हैंड फाइल के एक एज पर दांते होते हैं जबकि दूसरे एज पर दांते, ऑप्शन है आपके ए सिंगल कट, बी डबल कट, सी दांते नहीं होते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हैंड फाइल के एक एज पर दांते होते हैं जबकि दूसरे एज पर दांते नहीं होते हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेफ एज फाइल को कहते हैं, ऑप्शन ए है फ्लैट फाइल, बी वर्गाकार फाइल, सी ट्रायंगुलर फाइल, डी हैंड फाइल। तो दोस्तों, सेफ एज फाइल को हम हैंड फाइल भी कहते हैं या हैंड फाइल को हम सेफ एज फाइल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जाब पर फिनिशिंग साइज के निकट लाती है। ऑप्शन है दोस्तों ए रफ फाइल, बी डेड स्मूथ फाइल, सी सेकेंड कट फाइल, डी बास्टर्ड फाइल। तो दोस्तों, जाब पर फिनिशिंग साइज के निकट लाती है हमारी, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेकेंड कट फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च फिनिश के लिए फाइनल फाइलिंग की जाती है। उच्च फिनिश के लिए फाइनल फाइलिंग की जाती है, ऑप्शन ए है रफ फाइल, बी डेड स्मूथ फाइल, सी सेकेंड कट फाइल और डी है आपका बास्टर्ड फाइल। तो दोस्तों, उच्च फिनिश के लिए फाइनल फाइलिंग की जाएगी, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदु इस्पात में चिपिंग के लिए चीजल का पॉइंट कोण निम्न होगा। ऑप्शन ए है 54 डिग्री, ऑप्शन बी 50 डिग्री, ऑप्शन सी 55 डिग्री, ऑप्शन डी 60 डिग्री। तो दोस्तों, मृदु इस्पात के लिए जो चीजल का एंगल रखा जाता है वो रखा जाता है 55 डिग्री, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एल्यूमिनियम की चिपिंग के लिए फ्लैट चीजल का कटिंग कोण होता है। दोस्तों, एल्युमिनियम की चिपिंग के लिए फ्लैट चीजल का कटिंग कोण होता है, ऑप्शन ए है 30 डिग्री, ऑप्शन बी 55 डिग्री, ऑप्शन डी 60 डिग्री, ऑप्शन डी 70 डिग्री। तो दोस्तों, एल्युमिनियम की चिपिंग के लिए जो है चीजल का पॉइंट एंगल 30 डिग्री रखा जाता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में ए से अंकित कोण का क्या नाम होगा। यहाँ पर आपके सामने ये चित्र आ गया है, यहाँ पर जो ए से दिखाया गया है उस कोण का नाम पूछा गया है। ऑप्शन है ए पॉइंट एंगल, ऑप्शन बी क्लियरेंस एंगल, ऑप्शन सी रेक एंगल, ऑप्शन डी कटिंग एंगल।
तो दोस्तों जो इसमें दर्शाया गया है ये है आपका रेक एंगल, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर चित्र में दर्शित हेक्सा ब्लेड का प्रकार है, यहाँ पर आपका एक हेक्सा का प्रकार आ गया है। हेक्सा ब्लेड की सेटिंग के अनुसार दो प्रकार के होते हैं, स्टेगर्ड और वेब सेट, तो यहाँ पर कौन सा चित्र दर्शाया गया है? ऑप्शन ए है स्टेगर्ड सेट, ऑप्शन बी वेब सेट, ऑप्शन सी फाइल टाइप, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा स्टेगर्ड सेट, जो यहाँ पर चित्र दिया गया है यह है स्टेगर्ड सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चित्र में दर्शित हेक्सा ब्लेड का प्रकार है, यहाँ पर आपके सामने एक चित्र आया है, ऑप्शन ए है स्टेगर्ड सेट, ऑप्शन बी वेब सेट, ऑप्शन सी मीडियम टाइप, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वेब सेट, ये जो चित्र है आपका वेब सेटिंग का चित्र दिया हुआ है। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चित्र में दर्शित फाइल का नाम बताइए, यहाँ पर जो एक फाइल आई है इसका आपको नाम बताना है। ऑप्शन ए है बैरेट फाइल, ऑप्शन बी थ्री स्क्वायर फाइल, ऑप्शन सी विद्युत फाइल, ऑप्शन डी क्रॉसिंग फाइल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थ्री स्क्वायर फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाई गई चीज़ों को पहचानिए, ऑप्शन ए है हाफ राउंड फाइल, ऑप्शन बी फ्लैट चीजल, ऑप्शन सी क्रॉस कट चीजल, ऑप्शन डी वेव चीजल। तो ये जो चित्र में आपकी चीजल दर्शाई गई है ये है आपकी हाफ राउंड चीजल, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दर्शित फाइल का नाम बताइए, ये जो यहाँ पर चित्र आया है इस फाइल का नाम बताया है। ऑप्शन ए है विद्युत फाइल, ऑप्शन बी नाइप फाइल, ऑप्शन सी थ्री स्क्वायर फाइल, ऑप्शन डी क्रॉसिंग फाइल। तो दोस्तों इस चित्र में जो दर्शाई गई है वो है आपकी नाइफ एज फाइल, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दर्शित फाइल का नाम बताइए, ऑप्शन है ए बैरेट फाइल, ऑप्शन बी नाइप फाइल, ऑप्शन सी थ्री स्क्वायर फाइल, ऑप्शन डी क्रॉसिंग फाइल। तो दोस्तों यहाँ पर जो चित्र में फाइल दर्शाई गई है वो है आपकी बैरेट फाइल, यानी कि ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसकी एक भुजा जो होती है वो अधिक चौड़ी होती है थ्री स्क्वायर की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नीडल फाइलों में से नाइफ एज फाइल को पहचानिए, ये यहाँ पर जितनी भी आई हैं आपकी ये नीडल फाइल होती हैं, और नीडल फाइल की लंबाई 120 से 180 mm तक होती है, और इनको इनके अनुप्रस्थ काट के अनुसार पहचाना जाता है। तो इनमें से नीडल फाइल कौन सी है ये हमारे पिछले क्वेश्चन में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर आपकी नीडल फाइल कौन सी होगी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह है आपकी नीडल फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में खांचे चाबी घाट और झिर्री काटने वाली चीजल दर्शाई गई है, पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है डायमंड पॉइंट चीजल, ऑप्शन बी है क्रॉस कट चीजल, ऑप्शन सी है फ्लैट चीजल, ऑप्शन डी है हाफ राउंड चीजल। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपकी दर्शाई गई है इसका प्रयोग चाबी घाट खांचे तथा झिर्रियाँ काटने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों यहाँ पर जो ये आपकी दर्शाई गई है ये है आपकी क्रॉस कट चीजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चित्र में दर्शाई गई ड्रिलिंग मशीन के एक्स से लेबल भाग को पहचान कीजिए, यहाँ पर आपके सामने ये ड्रिलिंग मशीन आई है, इसमें जो एक्स से पूछा गया है इस भाग का आपको नाम बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है स्पिंडल हेड, ऑप्शन बी रेडियल आर्म, ऑप्शन सी पिलर, ऑप्शन डी स्पिंडल। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपकी ये दर्शाई गई है ये है आपकी रेडियल आर्म ड्रिलिंग मशीन, तो इसे आपका जो एक्स से पूछा गया है उसे कहते हैं रेडियल आर्म, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर।
दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाई गई ड्रिलिंग मशीन की क्षमता 12.5 मिलीमीटर तक की होती है, पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है गैंग ड्रिलिंग मशीन, ऑप्शन बी मल्टीपल स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन, ऑप्शन सी बेंच टाइप सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन, ऑप्शन डी पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपकी चित्र में जो ड्रिलिंग मशीन दर्शाई गई है, इसकी क्षमता होती है 12.5 मिलीमीटर तक के सुराख ये कर सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बेंच टाइप सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चित्र में दर्शाई गई ड्रिलिंग मशीन की विशेषता निम्न होती है। दोस्तों यहाँ पर जो ये ड्रिलिंग मशीन दर्शाई गई है, इसकी पूछी गई है कि इस ड्रिलिंग मशीन की विशेषता क्या होती है। ऑप्शन ए है पिलर की ऊंचाई अधिक होती है, ऑप्शन बी यह पोर्टेबल होती है, ऑप्शन सी मोटर अधिक क्षमता की होती है, ऑप्शन डी ड्रिलिंग सुगमता से करती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बता दें कि यहाँ पर जो आपकी दर्शाई गई है, यह है आपकी पिलर ड्रिलिंग मशीन, पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन ये दर्शाई गई है। इसके सभी भागों के नाम यहाँ पर दर्शाए गए हैं। तो दोस्तों पिलर की ये विशेषता होती है कि पिलर की ऊंचाई जो होती है वो अधिक होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चित्र में दर्शाई गई ड्रिलिंग मशीन में हैंडल के स्थान पर अर्ध गोल प्लेट लगी होती है, पहचान कीजिए। दोस्तों यहाँ पर जो ये एक प्रकार की ड्रिलिंग मशीन दर्शाई गई है, यहाँ पर जो हैंडल के स्थान पर एक अर्ध गोल प्लेट लगी होती है, इसकी आपको पहचान करनी है। ऑप्शन ए है रैचेट ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन, ऑप्शन बी है ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन, ऑप्शन सी हैंड ड्रिलिंग मशीन, ऑप्शन डी न्यूमेटिक ड्रिलिंग मशीन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगले वीडियो में हम इसका आंसर ज़रूर बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।